देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपकी शरण में आया हूं मैं। इंद्रदेव ने जिस प्रकार मेरा अपमान किया है उसका उचित उत्तर देना चाहता हूं मैं। छी 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 छी, ये क्या किया देवराज इंद्र ने? आपके साथ इस प्रकार? छी 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 छी, इंद्र सभा में यक्षगणों के अपमान की बात अब तक चारों दिशाओं में फैल चुकी होगी, किंतु इसका उत्तर एक ही है कुबेर, आपको देवत्व लाभ करना होगा। हाँ, विश्व की समस्त समृद्धि प्राप्त करके आपको समृद्धि का देवता बनना होगा, और उसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। चलिए मेरे साथ, चलिए। श्री यंत्र मुझे कौन सी दिशा में लेकर आया है? क्या है स्थान पर? यही वो स्थान है यक्षराज। यहां पर ही देवी, आश्चर्य की बात है, इस स्थान पर तो कोई नहीं है, फिर श्री यंत्र की रोशनी निरंतर इसी स्थान पर क्यों जा रही है? नारायण नारायण, देवर्षि आप स्थान पर कैसे आए? माता, प्रभु कृपा से मैं त्रिलोक में हर जगह आ जा सकता हूँ। प्रभु ने आपको ये आशीर्वाद भेजा है माता। प्रभु ने मेरे लिए आशीष भेजा है? ये कमल मैं भंडार पर रख दूंगी। मेरा संकल्प सफल हुआ है देवर्षि, अब मैं समस्त संपद शनि देव की दृष्टि से मुक्त करूंगी। देवर्षि, वहां वो क्या रखा है? ये किसका मुकुट है? हाँ,
देवर्षि, ये तो प्रभु का मुकुट है, यहाँ पर कैसे आया? प्रभु किसी विपदा में तो नहीं है? उनकी शक्ति अभी निष्क्रिय है, मुझे इसी क्षण वैकुंठ में जाना होगा। किंतु माता, जो संपदा आपने खोई है उसको खोजिए पहले, अन्यथा विलंब हो जाएगा। प्रभु से बड़ा संपद मेरा और कुछ नहीं है देवर्षि, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है, मैं वैकुंठ लोक जा रही हूँ। माता, श्री लक्ष्मी के आने से पूर्व ही तुम्हें इस गुफा में प्रवेश करना होगा और विश्व की समस्त संपत्ति प्राप्त करनी होगी, और उसके पश्चात तुम बनोगे स्वर्ग के नए देवता यक्षराज कुबेर। श्री, तुम शीघ्र अपने संपद का अधिकार प्राप्त करो, मेरी शक्ति अभी भी निष्क्रिय है, मुझे शंका हो रही है कहीं सत्य ही जगत का समस्त संपद हमेशा के लिए लुप्त न हो जाए। प्रभु, आप कुशल मंगल है ना प्रभु? श्री, तुम लौट कर क्यों आई? कहीं तुम्हारा संकल्प असफल तो नहीं हुआ? नहीं प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने अपना संकल्प पूरा किया है, किंतु जगत के संपद का अभी भी पुनः उद्धार नहीं कर पाई हूँ। अचानक आपके लिए हृदय व्याकुल हो उठा, इसलिए वैकुंठ में लौट आई। ऐसा क्या हुआ देवी
जिससे तुम इतनी विचलित हो गई? अचानक वहां पर हमें आपका मुकुट पड़ा मिला प्रभु, और उसी से माता का मन व्याकुल हुआ। उसके पश्चात ही मेरे अनुरोध की उपेक्षा करके माता वैकुंठ को लौट आई प्रभु। मेरा मुकुट? किंतु वो तो अपने अपने स्थान पर ही है। तो देवी, जो कुछ भी हुआ है मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। व्रत करने के बाद मैं श्री यंत्र के मदद से एक अद्भुत स्थान पर पहुंची। किंतु वहां जाकर मुझे कुछ भी नहीं दिखा, कांटों के वृक्ष के अलावा। अचानक से वहां पर किंतु अचानक से वो अदृश्य भी हो गए। इसका क्या अर्थ है प्रभु? ऐसा क्यों देखा मैंने? देवी, अवश्य किसी ने माया का प्रयोग किया था तुम्हारा ध्यान भंग करने के लिए। अब मुझे संदेह है, जगत के समस्त संपद को लेकर एक संकट उत्पन्न होगा। जाइए यक्षराज, गुफा में प्रवेश कीजिए। यहीं पर संग्रहित है विश्व की समस्त संपत्ति, और इसे यदि एक बार आप प्राप्त कर पाए तो वो होगा यक्षगणों का धन। हाँ कुबेर, इस संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। आप बनेंगे इसके अधिपति, और जिसके पास विश्व की समस्त संपत्ति रहेगी उसका देवत्व प्राप्त करने से कौन रोकेगा कुबेर? विलंब मत कीजिए, जाइए कुबेर। प्रणाम देवी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सफल हो पाऊं। तथास्तु, अब विलंब मत कीजिए, जाइए। मैं शनिदेव, इस गुफा में जगत का समस्त संपद मैंने एकत्रित करके रखा है। आंखें बंद करके आगे बढ़ो कुबेर, किसी भी बात पर ध्यान मत दो। विभिन्न लोभ विभिन्न भय व्यवधान डालेंगे, ये आपकी परीक्षा है कुबेर। कोई दिव्य वाणी मत सुनिए कुबेर, जाइए, ये रेखा भेद कीजिए और विलंब मत कीजिए कुबेर। जो ये अग्नि रेखा पार करके गुफा में प्रवेश करके एक स्फटिक टुकड़ा संग्रह कर पाएगा वही बनेगा इस अमूल्य ऐश्वर्य का अधिकारी। Ha 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 ha!
ये क्या हुआ मुझे? देवगुरु बृहस्पति, मैं आपके साथ एक विशेष वार्तालाप करना चाहता हूं। देवी श्री लक्ष्मी अभी भी जगत का समस्त संपद प्राप्त नहीं कर पाई हैं। मुझे लगता है वो अब संपद की देवी के रूप में पूजे जाने के योग्य नहीं है। इस विषय में आप क्या कहते हैं? देवराज इंद्र, पुनः आपके मन में जो संदेह जागृत हुआ है वो अत्यंत अमंगलकारी है। नील सृष्टि के समय सन्यास ग्रहण का जो दंड आपको मिला था उसे आप प्राश्चित के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए, है ना? देवराज, देवी श्री लक्ष्मी ने ही आपकी असुर बलि के हाथों से रक्षा की थी। होलिका ने जब स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया था तब देवी श्री लक्ष्मी ने ही स्वर्ग लोक की रक्षा करी थी। वो सौभाग्यदायिनी है, आप संभवतः समझ नहीं पाए। आपके पापों का बोझ उन्होंने संहार किया है आपको सन्यास ग्रहण के प्रक्रिया में ले जाकर। श्री यंत्र पुनः उसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है। हमें शीघ्र उस दुर्गम स्थान पर पहुंचना होगा विष्णु वाहन। उस स्थान पर ऐसा कुछ है जो मुझे संपद पुनः प्राप्त करने में सहायता करेगा। शनिदेव के प्रभाव से मुक्त है। गुफा प्रवेश पर अब और कोई बाधा नहीं है। चलती हूँ, चलकर देखती हूँ यक्षराज कुबेर अपने लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं। देवी लक्ष्मी, आपने मेरे साथ छल किया है, छल। मैंने भूल की है, आप पर विश्वास करके मैंने भूल कर दी, भूल। देवत्व के लोभ में मुझे ऐसा ये वृद्ध देह मिला। कुबेर, आप अंदर जाइए, आपके लिए ढेर सारी संपत्ति रखी हुई है, उसका लाभ प्राप्त कीजिए। उसके बाद देखिए देवत्व प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। अंदर जाइए कुबेर।
नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये सब मेरा है, ये सारा धन मेरा है, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। नहीं दूंगा किसी को। इस जगत का समस्त धन मेरा है, मेरा है, मेरा है। किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जगत का समस्त धन मेरा है, मेरा, मेरा है। ये सारा धन मेरा है, मेरा, मेरा, किसी का अधिकार नहीं है, किसी का नहीं। देवराज इंद्र से भी वैभवशाली हूं मैं। ये क्या, कुबेर साथ में अलक्ष्मी? माता आप अभी मत जाइए, पहले मैं उसका सामना करूंगा। कुबेर को इतना धन संपद मिला कहां से? फिर क्या शनि देव ने समस्त संपद इसी स्थान पर संग्रहित रखा था? और उस संपद पर अलक्ष्मी की दृष्टि है। सर्वनाश। अब मैं बनूंगा धन का देवता। इस जगत का समस्त धन मेरा है, मेरा। माता, मैं उस लोभी कुबेर को दंड देना चाहता हूँ। इतना साहस उसका हुआ कैसे जो आपके संपत्ति पर अधिकार दिखाए? शांत हो जाओ गरुड़, कुबेर अभी छल का शिकार हुआ है। जैसे भी हो उसकी अभी रक्षा करनी ही होगी। रक्षा नहीं, कहिए घोर दंड देना होगा उसे। आपका सेवक होकर देवी अलक्ष्मी के छलावे का शिकार वो हुआ कैसे? शांत हो जाओ गरुड़, मत जाओ, मत जाओ। लौट आओ विष्णु वाहन, लौट आओ। मुझसे अधिक संपत्ति इस जगत में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। देव, देवी, दैत्य, सबसे अधिक धनवान हूँ मैं, धन कुबेर हूँ मैं। आखिर ऐसा दुस्साहस तुमने किया कैसे? माता श्री लक्ष्मी का सेवक होकर तुमने धन वैभव का लोभ किया?
तुम तो स्वयं को धन का देवता मानते हो। इस दुस्साहस के लिए उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें आज।